बड़ा अपना आपको पट्टी मिली है, क्यों जाने दे, क्यों जाने दे, अब लोक बंद को जाने दे यार, सामने कर नहीं जाना, हमने घर नहीं जाना, मैंने अभी बोला आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, मैंने सब कुछ दिखाया, घर नहीं जाना, हमने गाड़ी नहीं जाएगी भाई, भाई बाहर के बंदे हैं, कास्ट है, कास्ट है, मेला रोक दिया, नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, दिल्ली वाली गाड़ी, सर बाहर से बंदे आए हैं, कास्ट है, करेंगे आप लोग, होते हैं अपनी गाड़ी, सो गाइस गुड मॉर्निंग, सो अभी सुबह का मौसम कुछ इस तरह का है, ये वाला पहाड़ तो आज इतना डरावना लग रहा है ना, आप देख रहे हो आज बादल बादल भी है। गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग, स्वागत है आप सभी का बंटी हिमाचली यूट्यूब चैनल में। तो एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से आ गया हूँ, तो होप करता हूँ आपको जो भी ब्लॉग होगा वो पसंद आएगा, और जो भी हमारे साथ गलत हुआ आपने थंबनेल और टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि क्या है आज का ब्लॉग। सो हिमाचल पुलिस वालों ने काफ़ी गलत करा हमारे साथ और काफ़ी मिसबिहेव करा, सो होप करता हूँ आपको जो भी ब्लॉग होगा वो आप ध्यान से देखना, और ज़रूर बताना कमेंट करके कि मैंने कहाँ पे मेरी गलती है और कहाँ पे हिमाचल पुलिस की गलती है। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को जरूर लाइक से सब्सक्राइब करना और सपोर्ट दिखाना अपनी। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का अपडेट आपको देते हैं, हमने तो कुछ भी नहीं, इनको देख देख के ही हम लोग यहाँ पे आए हैं, अगर ये अपडेट्स नहीं रखते, मतलब कि जो यहाँ के रोड की कंडीशन थी, वेदर कंडीशन थी, क्लाउड ब्रस्ट हो रहा था, तो वो सारी कंडीशन इनके ब्लॉग के थ्रू हमें मिली, बाकी किसी के ब्लॉग में नहीं मिली। तो प्लीज़ भाई को लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, जो कर रहा है सब करो। कुछ कहना चाहोगे? आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, बड़ा अपना आपको पट्टी मिली है, क्यों जाने दे, क्यों जाने दे, आप लोक बंद को जाने दे यार, हमने घर नहीं जाना, हमने घर नहीं जाना, घर जाने के लिए मैंने अभी बोला आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, मैंने सब कुछ दिखाया, घर नहीं जाना, हमने गाड़ी नहीं जाएगी भाई, भाई बाहर के बंदे हैं, कास्ट है, मेला रोक दिया, नहीं जाएगी, क्यों? तो आज का ब्लॉग कुछ इस तरह का होगा, क्योंकि मैं इस पे ब्लॉग नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि पर मेरे को मतलब बताना है कि मणिमहेश मेले टाइम जो है वो लोकल के साथ बहुत गलत होता है, क्योंकि यार मणिमहेश में यात्रा होती है बट जो लोकल होते हैं उनके वो बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि बाहर की गाड़ी बैरियर के आगे नहीं जाने देते हैं, जो भरमौर के आगे जहाँ पे बैरियर लगा होता है उससे आगे जो भी गाड़ियाँ होती है नहीं जाने देते हैं। अब जैसे मान लो मेरे घर में ही कोई मतलब बाहर का आएगा, आउट ऑफ हिमाचल का आएगा, तो उनकी गाड़ी भी बैरियर के आगे नहीं जाने देंगे, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि भरमौर में तब स्टे करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, और ना ही कहीं गाड़ी पार्क कर सकते हैं, क्योंकि मणिमहेश यात्रा में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। सो हुआ कुछ ऐसा कि मेरे फ्रेंड आए हुए थे दिल्ली से, तो वो एक मेरे भैया थे और एक उनकी वाइफ थी, तो उनके पास गाड़ी थी महिंद्रा थार, तो वो आए हुए थे भरमौर। तो एक पहले तो जब मणिमहेश यात्रा टाइम दो बैरियर लगे हुए थे, तो एक बैरियर के आगे मतलब जाने ही नहीं देते थे, आउट ऑफ हिमाचल की जो भी गाड़ी होती थी ना उनको जाने ही नहीं देते थे। तो हुआ क्या कि एक भरमौर के पीछे जो बैरियर लगा हुआ था वहाँ पे उन्होंने चेकअप वगैरह करवाया, तो उन्होंने रात के 8 बज के हुए थे, वो सुबह दिल्ली से चले हुए थे 3 बजे के, तो भरमौर में पहुँचे वो 8-9 बजे। तो बैरियर में क्या हुआ कि पुलिस वाले ने पूछा कि कहाँ से हो आप, उन्होंने बोला हम दिल्ली से हैं, तो फिर उन्होंने बोला कि आगे गाड़ी नहीं जाएगी, तो उन्होंने बोला हम स्टे कहाँ करेंगे अभी अगर हम भरमौर नहीं पहुँच पाएंगे, तो फिर मेरी बात करवाई उन्होंने, तो मैंने उनको बताया कि मेरे घर में आए हुए हैं ये, तो मैं लोकल हूँ तो मेरे घर में स्टे करेंगे, यहाँ पे पार्किंग वगैरह हो जाएगी इनकी, तो इनको आने दो। हुआ कुछ ऐसा कि जो फर्स्ट बैरियर से तो उनको आने दिया, तो सेकंड बैरियर में क्या हुआ कि जो हिमाचल पुलिस में वहाँ पे कोई ऐसा ही था ऑन ड्यूटी, तो मैंने बोला कि मेरे आइडेंटिटी वगैरह चेक कर लो आप, आधार कार्ड वगैरह, तो मैं लोकल हूँ तो ये मेरे बाहर से भी आए हुए हैं तो मेरे घर में स्टे करेंगे। जो सेकंड बैरियर था ना वो भरमौर के 2 किलोमीटर आगे था, पट्टी और जो ओल्ड बस स्टैंड है वहाँ पे लगा हुआ था, तो वहाँ से मणिमहेश टाइम यात्रा बंद थी, तो मेरा घर वहाँ से 2 किलोमीटर आगे है हटसर वाले रोड में, तो उन्होंने जाने नहीं दिया। तो हिमाचल पुलिस का वो ऐसा ही जो ऑन ड्यूटी था उन्होंने बोला कि कोई भी गाड़ी नहीं जाएगी, अभी डीसी का ऑर्डर है तो कोई भी गाड़ी नहीं जाएगी, तो मैंने बोला क्यों नहीं जाएगी ऐसा थोड़ी ना हम अपने घर नहीं जाएंगे, मेरे घर में गेस्ट आए तो मैं इनको कहाँ पे स्टे करवाऊँ, कहाँ पे पार्किंग करवाऊँ, तो मैंने बोला आप अरेंज कर दो कहीं पे, तो आप स्टे करवा दो, मैं नहीं लेके जाऊँगा इनको अगर अभी अलाउड नहीं है जाना तो।
फिर हुआ कुछ ऐसा कि जो SI थे वो उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव करा, बोलते नहीं जाएगी गाड़ी तो नहीं जाएगी, तो समझ नहीं आता है, ये नहीं आता। मैंने फिर से रिक्वेस्ट करी उनको कि सर जाने दो, अभी हम कहाँ जाएंगे रात को। तो उन्होंने फिर मतलब बदतमीजी करने लग पड़े, उन्होंने बोला मैं चलान कर दूंगा, ये कर दूंगा, गाड़ी वापस कर लो, ये कर लो। फिर मैं भी मेरे को भी अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने भी उनके साथ बदतमीजी कर ली। फिर ऐसे लोकल सभी जो इकट्ठा हो गए थे, बाकी आप वीडियो देखो, आपने फुल वीडियो देखी होगी कि हमने मतलब उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि जाने दो, अभी रात के 10-11 बज रहे हैं तो कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने कुछ ऐसा करा, क्यों जाने दे, अब लोकल बंदों को जाने दे यार, हमने घर नहीं जाना, हमने घर नहीं जाना, ऐसे चुसा मैंने अभी बोला, आइडेंटिटी कार्ड दिखाया मैंने, सब कुछ दिखाया, घर नहीं जाना, गाड़ी नहीं जाएगी भाई, भाई बाहर के बंदे हैं, कास्ट एक नहीं, क्यों नहीं जाएगी दिल्ली वाली, सर बाहर से बंदे आए हैं, कास्ट एक करेंगे, बुला लो बुला लो बुला लो बुला लो चलो पांच मिनट बैठ दिए, पांच मिनट रुक लिया, चलिए कोई नहीं, हम भी लोकल है, हम भी लोकल है, आप हट जाओ भाई साहब प्लीज, हट जाओ आप। हुआ कुछ ऐसा कि उन्होंने काफी मतलब बदतमीजी करी जो मेरे को पसंद नहीं आया, मैंने वीडियो बना ली थी क्योंकि मैंने मुझे पता था मैंने YouTube में डाल देनी है। काफी बदतमीजी से बात करी, ऐसे नहीं होता है क्योंकि यार जो लोकल घर है जो भरमौर से आगे, जो रात को वो भरमौर जब मणिमहेश फेयर चला होता है, मणिमहेश में काफी यात्री आते हैं, तो काफ़ी मेले चले होते हैं, तो वहाँ पे लोग घूमने वगैरह के लिए भी आते हैं, रात को मेले वगैरह देखने के लिए भी आते हैं। तो जो वहाँ पे ट्रेडिशनल वो चला होता है, जो भरमौर में ट्रेडिशनल जो भी होते हैं रात को जगराते वगैरह, वो सभी चले होते हैं रात को, तो काफ़ी लोग जो आरे परे के गांव वाले के वो सारे आते हैं देखने। तो ऐसा थोड़ी ना है कि जो बाहर के जो गांव के वो नहीं आएंगे, जो भरमौर के बैरियर के आगे वाले हैं तो वो रात को आए घर नहीं जा पाएंगे, ऐसा तो गलत है ना ये, मतलब इसलिए मेरे को वीडियो बनाना मैंने बना दी क्योंकि उन्होंने से मेरे साथ थोड़ा मिसबिहेव भी करा था। बाकी आप फुल वीडियो आपने देख लो, उन्होंने बहुत काफ़ी हमने रिक्वेस्ट करी थी पर वो माने नहीं, बाकी आपके सामने। और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर मेरी गलती है कुछ, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने क्या गलत करा। अगर आपके सामने अगर आप आपसे कोई बदतमीजी करता है सामने से, तो आप भी बदतमीजी से ही बात करोगे, तो मेरा मानना ये है। बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताना, आप हट जाओ भाई साहब प्लीज, हट जाओ आप, कोई नहीं, हम भी लोकल है, हम भी लोकल जाएगी दिल्ली वाली गाड़ी, सर बाहर से बंदे आए हैं, कहाँ स्टे करेंगे, आप लोकल होते हैं, अपनी गाड़ी तो कि मेरे हालात ही नजर बुला लो बुला लो बुला लो बुला लो होप करता हूँ आपको जो भी ब्लॉग होगा वो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर लाइक से सब्सक्राइब करना, और फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।